गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल आम पन्ना की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की रेसिपी की। सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह से कैरी आम, जो कच्चे हो और कड़क हो, ज़्यादा पिलपिले या फिर नरम हुए जो बासी होती कैरी उसका इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर मैं पायरी आम ले रही हूँ, ये मैंने सुबह में झाड़ से तोड़ा है। आपको जो भी कैरी मिलती है आप ले सकते हैं। ये देखिए गाइस, कुकर में मैंने कैरी को ले लिया है और अब कैरियों को डूबने तक हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए कैरी डूबनी चाहिए और अब हम ढक्कन बंद करके सिर्फ एक सीटी लेने तक इन्हें उबालेंगे। इससे ज़्यादा सीटी हमें नहीं लेना है। अगर आप कुकर में नहीं उबालना चाहते हैं तो आप इसे पतीली में भी उबाल सकते हैं। इसे नरम होने तक उबालें, मतलब ज़्यादा कैरी फटना नहीं चाहिए इसका छिलका, साबुत छिलका रहे इस यहाँ तक ही इसे उबालें। और इसे हमेशा याद रखें कि इसे छिलकों के साथ ही हमें उबालना है ताकि जो छिलके के अंदर जो भी इसके तत्व है वो पल्प में उतर सके, इसलिए बिना छिलकों का इसे न उबालें। ये देखिए एक सीटी लेने तक मैंने इसे उबाल लिया था, अब हम इन्हें निकाल लेंगे पानी से। ये देखिए यहाँ पर कैरी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, अब हमें इसे नरम करना है। ये देखिए इसे मैश करते जाएंगे, हम मसलते जाएंगे इसे ताकि अंदर का पल्प एकदम नरम हो सके। और ये कैरी बिल्कुल ताज़ा है, सुबह में तोड़ी हुई, तो इसका जो अंदर का जो लिक्विड है ये डंडी में से निकलता है, इसे साफ करना होता है, इसे बिल्कुल खाना नहीं है। ये देखिए जो है इसे हमें साफ करना है। ये देखिए कैरी पूरी तरह से नरम हो चुकी है, इसमें जब तक इसका ऊपर से डंडी में से जो लिक्विड निकलते जाएंगे हम साफ करते जाएंगे और इसी तरह दोनों कैरियों को नरम कर लेंगे। पूरी तरह से अच्छी तरह से नरम कर लें ताकि जो अंदर का पल्प है अपने आप अंदर मैश हो सके। ये देखिए दूसरे कैरी को भी मैं इसी तरह से मैश कर रही हूँ और जितना भी इसमें से लिक्विड निकलते जाएगा उसे मैं साफ करते रहूँगी। ये देखिए कैरी को पूरी तरह से नरम करने के बाद इसकी जो डंडी है उसे हम छुरी से काट लेंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। इसे छुरी से अच्छे तरह से निकाल लें ताकि अंदर का पल्प आराम से बाहर आ सके। ये देखिए इसकी नोक से अंदर का, देखिए ये पार्ट बहुत हार्ड होता है, तो छुरी की नोक से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए डंडी का मोटा पार्ट हटा देने से अंदर का पल्प है वो ईजीली बाहर आ जाएगा। देखिए इसी तरह से हम पूरा पल्प प्याले में निकाल लेंगे पूरी तरह से अंदर से निचोड़ कर। ये देखिए आसानी से कितना मैश हुआ पल्प निकल रहा है बाहर, पूरी तरह से हम इसे निकाल लेंगे और अंदर की गुठली भी निकाल लेंगे। ये देखिए अंदर की गुठली में भी बहुत सारा पल्प लगा होता है, तो इसे हम निकाल लेंगे, अलग से रखेंगे गुठली को, और फिर बाद में जो गुठली के ऊपर का पल्प है वो भी हम चम्मच से निकाल के इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले जो इस छिलकों के अंदर जो पल्प बचा हुआ है उसे चम्मच से हम अच्छी तरह से खुरच के निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह से पूरा छिलका हमें खोल लेना है और स्पून के मतलब मदद से चम्मच के सहारे से इसे अच्छे तरह से पल्प निकाले। देखिए कितना माशाल्लाह अंदर से पल्प निकल रहा है, ये देखिए बहुत सारा पल्प है और इसका कलर इसी तरह से लाइट होता है। एक बात का ध्यान रखें, जो ट्रेडिशनल रेसिपी है इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं होता है, इसी तरह से लाइट कलर का ही पन्ना बनता है क्योंकि इसका पल्प लाइट कलर का है। दूसरे पन्ना जो होते हैं अलग अलग कलर के, कोई डार्क होता है, कोई मसाले वाला रहता है, तो उसमें अलग अलग मसाले पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें पड़ती है, वो ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं है, लेकिन उस तरह का वीडियो मैं आपको बना के दोबारा दिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह से मैंने पूरी तरह से छिलकों को साफ कर लिया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, ये देखिए कुछ भी नहीं इसमें, कितना आसानी से निकला है पल्प हमारा। ये देखिए अब जो इसके गुठली के ऊपर भी पल्प है उसे हम चम्मच से इसी तरह से निकाल लेंगे। ये
ये देखिए मैंने दोनों करी का पूरा पल्प इसमें निकाल लिया है। अब इसे मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर से हमने पूरी करी के अंदर ही इसे मैश कर लिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पैन में मैंने शक्कर ली है। आम जो मैंने लिए थे दो वो 400 ग्राम के थे, इसलिए मैं शक्कर उसके डेढ़ गुना ले रही हूँ यहाँ पर, यानी 600 ग्राम शक्कर है। उसमें मैं एक कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे इस शक्कर को हमें घुलने तक हिलाना है, पकाना है इसे। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसे शक्कर को घुलने तक अच्छी तरह सिरप बनाना है। ये देखिए हाई फ्लेम पे हम इसे शक्कर को हिलाएंगे घुलने तक, इसे पूरी तरह से मेल्ट करना है हमें। ये देखिए शक्कर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है क्योंकि फ्लेम हाई पे है। इसे हम अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। ये देखिए शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने कैरी का पल्प निकाल के रखा है, वो आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आप पल्प निकालते हैं और चंक्स रहते हैं तो आप इसे पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मैश हो चुका है। मैं इसमें घुलने तक इसे हिलाऊंगी, पूरी तरह से हम इसमें घुलने तक हिलाते रहेंगे। ये देखिए शक्कर में पल्प अच्छी तरह से घुल चुका है। इसे अच्छी तरह से हम हिला लेंगे और अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक को घुलने तक हम हिलाएंगे इसमें। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ इलायची का पाउडर। ये देखिए इलायची थोड़ी ज़्यादा ही कुटी हुई है, फाइन पाउडर नहीं है, आप इसमें फाइन पाउडर का इस्तेमाल करें। देखिए इसे अच्छी तरह से हम हिलाते रहेंगे ताकि इलायची का इसमें जो फ्लेवर अच्छी तरह से आ सके। और ये पूरी तरह से घुलने के बाद, अच्छी तरह पकने के बाद हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। ये देखिए आम पन्ना एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि अगर इसमें कोई चंक्स वगैरह है तो वो निकल सके। और इसमें मैंने जो इलायची डाली थी क्रश थी, तो उसे भी हम निकाल लेंगे, उसका फ्लेवर इसमें आ चुका है। ये देखिए चम्मच से हिलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए मैंने पूरी तरह से छान लिया है और इसमें जो भी है ऊपर जो चंक्स बचे हैं वो हटा लेंगे हम। और नीचे जो है वो आमपना का ट्रेडिशनल और ओरिजिनल सिरप रेडी है। देखिए गाइस मैंने इसे छान लिया। ये देखिए गाइस कितना यम्मी और डिलीशियस आमपना रेडी है। ये सिरप है और इसके जूस किस तरह से बनता है मैं आपको दिखा रही हूँ, पन्ना किस तरह से बनता है। ये इसका कलर देखिए बिल्कुल लाइट है क्योंकि ये ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेसिपी है। और दूसरे जो मसाले वाले जो रेसिपी है अलग कलर वाली, या फिर जो पुदीने का इस्तेमाल करते हैं वो वाली, वो मैं आपको अलग से दिखाने वाली हूँ। इस तरह से आमपना बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जो हमने सिरप बनाया था उससे हम आम पन्ना बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमने सिरप बनाया था वो डालेंगे ग्लास में।
गाइस जो पुदीने वाली रेसिपी है पीसने वाली वो अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं इफ्तार के लिए बना रही हूँ तो इसमें थोड़ी सी रिफ्रेशिंग के लिए पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ, तोड़ कर डाल रही हूँ इसमें ऐसे ही। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बर्फ के टुकड़े, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं यहाँ पर दो दो डाल रही हूँ। ये देखिए सब इसमें दो दो पीसेस डाल देंगे हम, और अब इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी ठंडा ले यहाँ पर। ये देखिए अब हम इसे पानी में डालने के बाद में इसे चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये जो सिरप है इसमें अच्छी तरह से घुल सके। ये देखिए गाइस इसे अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। मैंने आपको अभी दिखाया है कि आमपना का सिरप किस तरह से बनता है और उसके बाद में जूस हम किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए अच्छे से हिलाएं गाइस। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखिए। बाय।